ऐश्वर्या राय अक्सर चर्चा में रहती है। एक्ट्रेस भले फिल्मी दुनिया से दूर हो मगर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो अक्सर चर्चा में रहती है। फिर चाहे बात बच्चन परिवार से अनबन की हो या फिर पति संग सेपरेशन की रूमर्स, अक्सर एक्ट्रेस सुर्खियों में रहती है। ननद श्वेता बच्चन संग ऐश्वर्या की बॉन्डिंग पर भी कई तरह के सवाल अक्सर खड़े होते हैं। ऐसे में चलिए आज बात करते हैं इन दोनों के नेटवर्थ के बारे में। ऐश्वर्या राय और श्वेता बच्चन दोनों ही अच्छी खासी संपत्ति की मालकिन हैं। हालांकि ये बात और है कि दोनों के नेटवर्थ में काफी फर्क है। ऐश्वर्या और श्वेता बच्चन दोनों की संपत्ति में बेहद बड़ा अंतर है। साथ ही चलिए बात करते हैं दोनों से जुड़ी ऐसी बातें जो फैंस को नहीं मालूम होंगी। ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में 45 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कई सारी फिल्में उनकी सुपर डुपर हिट गई हैं। ऐश्वर्या की नेटवर्थ 862 करोड़ रुपए है। ऐश्वर्या राय अपनी फिल्मों के लिए मोटा पैसा भी चार्ज करती है। वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि तरह तरह के ब्रांड एंडोर्समेंट से भी 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बॉलीवुड फिल्म करने के लिए ऐश्वर्या राय तकरीबन 10 करोड़ की भारी रकम फीस चार्ज करती है। वहीं हम बात करें श्वेता बच्चन की तो उन्होंने अपने माँ बाप की तरह फिल्मी दुनिया को नहीं चुना है बल्कि श्वेता ने अपने लिए बिजनेस की राह चुनी है। श्वेता बच्चन की शादी बिजनेस दुनिया के जाने माने निखिल नंदा से हुई है। उनके पति की नेटवर्थ वैसे तो 60 करोड़ रुपए है मगर जिस एक्सटॉस कुबूटा लिमिटेड कंपनी के वो प्रबंध निदेशक है उसका राजस्व 7014 करोड़ रुपए का है। वहीं श्वेता बच्चन की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 107 करोड़ रुपए है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।